रात उस वक्त हिंसा भड़क गई जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोशों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया। इन लोगों ने परिसर में मौजूद संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख अमोल पटनायक से बात की और उनसे मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जेएनयू मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जेएनयू छात्रों से संयम बरतने के लिए कहा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेएनयू छात्रों से विश्वविद्यालय की गरिमा बनाए रखने और परिसर में शांति बनाए रखने का आग्रह किया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जेएनयू में हिंसा बेहद निंदनीय है। भाजपा के देशव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता देश के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से लोगों से अभियान के साथ व्यापक स्तर पर जुड़ने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। राजनाथ सिंह ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति खेमकरण के आवास पर इस मुद्दे को लेकर लोगों के भ्रम को समाप्त करने का प्रयास किया। नागरिकता कानून को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद में फैली भ्रांतियों को दूर किया। सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का काम नहीं करेगा। नागरिकता संशोधन कानून के प्रति जागरूकता के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कानून के समर्थन में सभा की और लोगों को कानून के विषय में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर काम शुरू कर दिया है। नागरिकता देने के लिए प्रवासियों को सूचीबद्ध करने के निर्देश गृह विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को दिए गए। इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। केजीएमयू में मरीजों को अब सस्ती दवाइयां मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के अधिकारियों ने सभी विभागों से दवाओं की सूची मांगी थी। इस व्यवस्था से करीब 2500 ग्राम की 60-70% कम कीमत पर दवाइयां मिलेंगी। प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर के बीच होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के 4 पदों पर एक साथ मतदान करवाने की तैयारी शुरू की है। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूल आज से खुल रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में मौजूद बाघ की निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अधिकारियों ने वन विभाग के साथ मिलकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। जंगलों में 90 ट्रैप कैमरे लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपना 34वां जन्मदिन मनाने के लिए नवाबपुर शहर लखनऊ को चुना। दीपिका लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे होटल ताज पहुंची। उसके बाद वो दोपहर करीब 4 बजे शिरोज हैंगआउट कैफे में, यहां दीपिका ने अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के दौरान एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ अपना जन्मदिन मनाया। प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड के बाद रविवार को धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 2-3 दिन मौसम ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच टॉस के बाद भारी बारिश के चलते एक भी गेंद के बिना रद्द कर दिया गया। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन पिच खुला होने से मैच शुरू नहीं हो सका।